भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 10 काम करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। नंबर 1, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को ही रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 2, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का श्रेय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं। वे व्यक्ति के जीने की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 6, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है कुछ दिनों में उसकी परेशानियाँ दूर होने लगती हैं। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी आप घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 8, रोज़ सुबह उठकर अपनी हथेलियाँ देखें। रोज़ सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेलियों के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज़ सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। नंबर 9, घर खाली हाथ ना जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। नंबर 10, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं, लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है। ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।